पोहा बनाने की विधि तो आपको पता होगा। पोहा सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला नाश्ता है। पोहा बनाने में आसान होता है और जल्दी पच भी जाता है, यही कारण है कि हम इसे इतना पसंद करते हैं। पर कई बार बहुत कॉमन चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता होता। इसका कारण यह है कि हम इसे बनने के प्रोसेस के बारे में जानते ही नहीं। के मन में ये सवाल आता होगा कि जब आप घर पे बनाते हैं पोहा तो वो हार्ड क्यों हो जाता है, सिकुड़ क्यों जाता है, कहीं आप इसमें ज़्यादा तेल तो नहीं डाल देते या फिर उसको ज़्यादा पका लेते हैं आप? तो आज मैं आपको लोगों के लिए ठेले वाले पोहे की रेसिपी लेकर आया हूँ। तो चलिए पोहा हम बनाते हैं। ठेले जैसा पोहा बनाने के लिए हमें एक कटोरी पोहा, मूंगफली, हल्दी, लेमन जूस और यहाँ पे हमने लिया है नारियल कद्दूकस, चीनी, कड़ी लीफ, स्वाद अनुसार नमक, मस्टर्ड सीड्स, ग्रीन कोरिएंडर, प्याज, अनार, एक टमाटर। तो आइए हम ठेले जैसा पोहा बना के आपको दिखाते हैं। सबसे पहले पोहे को धो के इसको हम फुला लेते हैं। पोहे को धो देंगे। पोहे को हमने धो के भिगा लिया है। पोहे के एक बाउल में डाल देते हैं इस तरीके से। इसके पोहे के अंदर हम लेमन जूस डाल देते हैं, नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा चीनी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पोहा हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है और यहाँ पे हमने पानी बिठा दिया है ताकि हम पोहे को भाप लगा सकें, क्योंकि ठेले वाले इसी तरीके से पोहे को सॉफ्ट और हेल्दी बनाते हैं। पोहे को हमने एक छाननी में डाल रखा है। अब इस पोहे को इसके ऊपर ऐसे हम रख देते हैं, इसको हम 10 मिनट के लिए ढक देते हैं। जब तक हमारे पोहे को भाप लग रहा है तब तक हम इसमें पोहे का तड़का बना लेते हैं। इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे, इसको हम काट लेंगे, इसको हम मूंगफली को रोस्ट कर लेंगे। तेल हो चुका है, इसके अंदर हम मूँगफली डाल देते हैं, इसको रोस्ट कर लेते हैं। ये हो गया, इसको हम निकाल लेते हैं। इसके अंदर हम मिर्ची डाल देते हैं, थोड़ा सा रई डाल देते हैं इसके अंदर, राई तरीके से। इसके बाद ये कड़ी पत्ता डाल देते हैं, इसके बाद हम ये प्याज डाल देते हैं, इसको हम चला देते हैं। इसका लिड उतार देते हैं। हमारा पोहा भी रेडी हो चुका है। अब इसको हम इसे उतार के इसको ही डाल देते हैं, चला देते हैं। इसके अंदर जो मूंगफली हमने करा था वो मूंगफली डाल देते हैं इस तरीके से। इसके अंदर हर डाल दिया, ऐसे डाल देते हैं, इसको हम चला देते हैं। हमारा रेडी हो चुका है, अब तो हम इसे प्लेटिंग करते हैं। ऐसे थोड़ा सा मूंगफली फ्रीज कर देंगे और इसके बाद से टमाटर कर देंगे ऐसे। अनार डाल देंगे इस तरीके से। यह हम नारियल कद्दूकस किया हुआ तरीके से, और हम ये आलू भुजिया इस तरीके से डाल देंगे। पोहा हमारा रेडी हो चुका है, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है गाइस। सो आप भी घर पर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके गाइस।